प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस और ममता बनर्जी पर तीखे हमले किए। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि बंगाल में अत्याचार करने वाली सरकार का जाना अब तय है। प्रधानमंत्री ने सेना के शौर्य की तारीफ करते हुए कहा कि अब आतंकियों में दहशत का माहौल। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला, कांग्रेस नेताओं ने वीरों का अपमान किया। पीएम मोदी ने झारखंड के लोहरदगा और पश्चिम बंगाल के बोलपुर में रैलियां की। आज पीएम मोदी ने कहा, महामिलावटी लोगों ने सेना के शौर्य पर सवाल उठाए। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल को दीदी के गुंडों की गुंडागर्दी से मुक्त कराएंगे। पीएम मोदी ने कहा, विपक्ष ने हार के डर से ईवीएम को गाली देना शुरू कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा, बंगाल की राजनीति पर हिंसा और हत्या हावी है। प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के लोहरदगा और पश्चिम बंगाल के बोलपुर में ममता बनर्जी और कांग्रेस को निशाने पर लिया। पीएम ने कांग्रेस पर सेना के अपमान का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा, चुनाव के दौरान हिंसा को हथियार बनाने वाली ममता की विदाई का 23 मई से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। पहले तीन चरणों के मतदान के बाद जो रिपोर्ट आ रही है उससे साफ है कि दीदी का पश्चिम बंगाल में सूरज अस्त होना शुरू हो गया है। ये लोग पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हमारे वीरों पर ही सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं, सबूत लाओ सबूत लाओ, तब हम मानेंगे कि पाकिस्तान में आतंकियों पर हमला हुआ। वो हमारे देश के वीर जवानों की नीयत पर, उनके पराक्रम पर शक कर रहे हैं।